हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आपको काफी कुछ जानकारी भी मिलेगी और इस वीडियो में आपके लिए कुछ तोहफा भी है। ये वीडियो खासतौर पर आप लोगों को, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उन लोगों को एक स्पेशल गिफ्ट देने के लिए ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वोल्टेज स्टेबिलाइजर में यूज होने वाले माइक्रो कंट्रोलर किट्स के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं कि अलग अलग कैपेसिटी के या अलग अलग वोल्टेज रेंज के वोल्टेज स्टेबिलाइजर्स में हम कई तरह के सर्किट यूज करते हैं। जो किसी भी वोल्टेज स्टेबिलाइजर का सर्किट होता है, उसका सबसे मेन पार्ट वही होता है, क्योंकि सर्किट ही एक ऐसी चीज है जो कि स्टेबिलाइजर की सभी रिलेज को ऑपरेट करता है और स्टेबिलाइजर को सही तरीके से काम करने में सर्किट का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर सर्किट अच्छा है तो फिर आपका स्टेबिलाइजर भी सक्सेस रहेगा, और अगर सर्किट अच्छा नहीं है या कामयाब नहीं है तो आपके स्टेबिलाइजर में हमेशा दिक्कत आती ही रहेगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा सर्किट स्टेबिलाइजर के लिए, किस रेंज के लिए, किस कैपेसिटी के लिए कौन सा सर्किट बेहतर रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं। आपने मेरे पुराने वीडियोज में देखा होगा कि मैंने आपको माइक्रो कंट्रोलर किट्स के ऊपर कई सारे वीडियोस दिए हैं और वीडियो आप लोगों ने पसंद भी किए हैं, तो इसलिए खासतौर पर वीडियो आप लोगों की डिमांड पर ही बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको एक चीज और है जो स्पेशल है, वो ये है कि इस वीडियो में मैं कुछ आपको जो सर्किट दिखा रहा हूँ, माइक्रो कंट्रोलर किट जो आपको दिखाऊंगा, वो किट मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, गिफ्ट दूंगा मेरी तरफ से अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने देखने वालों को। तो कैसे क्या वो सब आपको बताऊंगा, उसकी वीडियो आप पूरा देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप ये किट मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये देखिए, अच्छे से देख लीजिए, ये डबल फेस के वोल्टेज स्टेबिलाइजर में यूज होने वाली किट है। तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पूरी वर्किंग देखनी है, इसकी परफॉर्मेंस देखनी है या कैसे यूज होगा, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, उस जाकर आप इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी वीडियो बनाने लगा इस पर तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा और मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो इस वीडियो को अच्छे, इस सर्किट को अच्छे से देख लीजिए, ये डबल फेस के स्टेबिलाइजर में यूज होने वाला सर्किट है। और इसके अलावा आपका जो दूसरा सर्किट है वो ये देखिए, ये एक सिंगल फेस में यूज होने वाली माइक्रो कंट्रोलर सर्किट है। और इसमें आप ये जो पांच ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ये देखिए, एक दो तीन चार पांच, तो ये सर्किट के बारे में आपको बता देता हूँ। ये सर्किट दरअसल 60 वोल्ट की वोल्टेज स्टेबिलाइजर में यूज होने वाला सर्किट है। इसमें देखिए आपको पांच ट्रांजिस्टर दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये देखिए पांच ट्रांजिस्टर हैं इसमें। तो इसमें चार तो ये वर्किंग रिले के लिए है और एक हमारा हाई कट और टाइमर की रिले के लिए दे रखा है, यानी इससे हमारी चार तो रिले ऑपरेट रहेंगी नॉर्मल जो स्टेबिलिटी कंट्रोलिंग के लिए है, और एक रिले हमारी इसमें हाईकट और टाइमर के लिए दे रखी है। इसे हम 60 वोल्ट या फिर 80 वोल्ट के स्टेबिलाइजर में यूज कर सकते हैं, यानी कोई भी ऐसा स्टेबिलाइजर जिसमें चार ऑपरेटिंग रिले यूज होती हैं, तो हम इस सर्किट को यूज कर सकते हैं। और इसकी एक खास बात यह है कि अगर हमें इस 90 वोल्ट के स्टेबिलाइजर में यूज करना है, हम उसमें भी यूज कर सकते हैं। 90 वोल्ट के लिए हमें इसमें तीन रिले यूज की जाएंगी, तो हम एक पॉइंट होते हैं, इसमें काफी कुछ मैं अपने वीडियोज में बता चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरी किट आती है वो देखिए, ये किट है, ये भी माइक्रो कंट्रोलर किट है। इसमें आपको ये देखिए, ये चार ट्रांजिस्टर लगे हुए दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा यूज यही किट होती है सिंगल फेस के वोल्टेज स्टेबिलाइजर में, जो कि सबसे ज्यादा सक्सेस है। इसमें हम तीन वर्किंग रिले यूज कर सकते हैं और एक टाइमर और हाई कट के लिए यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में भी, सॉरी, इस किट के बारे में भी कई सारे वीडियोज बना चुका हूँ, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहने का मकसद यह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इन सारी किटों की परफॉर्मेंस और सारी किट्स की वर्किंग देख सकते हैं। और सबसे खास बात जो आज की वीडियो की है, आपको मैं ये किट, ये तीन किट आप देख रहे हो, ये तीनों किट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। कम से कम पांच लोगों को मैं चूज करूंगा जिन्हें मैं ये किट फ्री ऑफ कॉस्ट उनके एड्रेस पर पोस्ट करूंगा, उनसे कोई पोस्टल चार्ज भी नहीं लिया जाएगा और ना ही इन किट का कोई पैसा लिया जाएगा। यानी पांच लोगों को मैं इन तीनों तरह की एक एक किट फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट होगा। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में से ही
कुछ पांच लोगों कमेंट चूज करूंगा, कमेंट को चूज करूंगा जो मुझे पसंद आएगी, ये मेरी पसंद अपनी पसंद रहेगी। और जिन लोगों कमेंट में चूज करूंगा उन पांच लोगों को मैं तीन तीन पीस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनके एड्रेस पर सेंड करूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम या जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उन्हें शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो के व्यूज ज्यादा से ज्यादा हों। अगर हमारी ये वीडियो आज यानी 13/8/2020 से लेकर 20/8/2020 यानी 13 अगस्त 2020 से लेकर 20 अगस्त 2020 तक 1,00,000 व्यूज को क्रॉस कर लेता है तो मैं आपको ये गिफ्ट अपनी तरफ से दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज आ सके और मैं आपको ये गिफ्ट दे सकूं। तो उम्मीद है ये गिफ्ट आप लोगों को जरूर मिलेंगे, बस आप लोगों को थोड़ी कोशिश करनी है, थोड़ी कोशिश मेरी थोड़ी कोशिश आपकी, और मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों को ये किट देकर ताकि इस किट को आप यूज कर सको। और यूज करने के बाद आप हमें बताइए इसकी परफॉर्मेंस आपको कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।